दोस्तों मुझे पता है मेरी तरह आप सभी भी जानना चाहते हैं केएल राहुल और संजीव गोयनका जी जो कि ओनर है लखनऊ की टीम के, उन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था उसका स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है टीम मालिक और टीम के कप्तान के बीच में, क्योंकि हमने देखा हैदराबाद से जिस तरीके से टीम हार गई थी, 10 से भी कम ओवरों में चेज करा दिया था इतना बड़ा स्कोर। फिर उसके बाद में संजीव गोयनका जी आए और उन्होंने ग्राउंड में सभी के सामने केएल राहुल को फटकार लगाई, डांटते हुए नजर आए, काफी वीडियोस वायरल हुई और विजुअल्स पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। उसके बाद सभी कयास लगा रहे थे कि केएल राहुल शायद आने वाले दो मुकाबले भी नहीं खेलेंगे जो बचे हैं टाटा आईपीएल के, एलएसजी की टीम के, और उसके बाद में केएल राहुल शायद ये फ्रेंचाइज भी छोड़ देंगे। इसी चीज का पता लगाने के लिए हम गए दिल्ली के ताजमहल होटल जहां पर रुकी हुई थी लखनऊ की टीम, और वहां पर जाकर हमने देखा मैच से एक दिन पहले कि केएल राहुल और पूरी टीम गई है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर उसके बाद में हमने वो विजुअल्स तो आपको दिखा दिए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं रात को करीब 9:30 बजे के आसपास जो मालिक हैं संजीव गोयनका जी, उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी पूरी टीम के लिए। वहां पर उन्होंने डिनर का प्रोग्राम किया हुआ था, डिनर के लिए बुलाया, सभी खिलाड़ी गए वहां पे, पूरी टीम मैनेजमेंट गई और उन्होंने सबके सामने केएल राहुल को गले लगाया। उसके भी विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर, गले लगाया और सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब कहीं दरार आ जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है, खटास आ जाती है, उसके बाद में पहले वाली बात नहीं हो पाती, और खास तौर पर जब दो अननोन पर्सन हो, एक टीम का मालिक है दूसरा कप्तान है। मालिक के लिए कप्तानों की कमी नहीं, खिलाड़ियों की कमी नहीं, और कप्तान और खिलाड़ी जो केएल राहुल है उनके लिए टीम मालिकों की कमी नहीं, फ्रेंचाइज की कमी नहीं, तो दोनों के बीच में दरार आ चुकी है। रिश्ते नॉर्मल करने का बचे हुए दोनों मुकाबलों में एलएसजी अच्छा करे इसका पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। उसके बाद में टीम जब निकल के मैच से पहले गई, मैच से पहले जाते हुए भी बिल्कुल शांति सन्नाटा, सभी खिलाड़ी आराम से जा रहे, मतलब माहौल देखने में लग रहा था कि अंदरूनी कुछ तो चल रहा है जो टीम को अब एक नहीं होने देगा। उसके बाद टीम गई खेलने के लिए, पहले तो दिल्ली की टीम से 208 रन लगवा दिए। उसके बाद जब लग रहा था जहां दिल्ली में 250 भी चेज हो जाते हैं, 240 भी चेज हो जाते हैं, 208 रन लखनऊ की टीम आराम से बना लेगी, लेकिन इंटेंट ही कुछ अलग तरीके का दिखाया लखनऊ की टीम ने और एक एक करके सारे विकेट थ्रो होते चले गए और मुकाबला हार गई दिल्ली कैपिटल्स से। अब दिल्ली की टीम से मुकाबला हारने के बाद लखनऊ की टीम एलिमिनेट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है आईपीएल 2024 में प्लेऑफ्स की दौड़ से, जो कि लग रही थी कि सबसे मजबूत टीम दिखाई दे रही थी आईपीएल 2024 में जो प्लेऑफ्स में जाएगी, लेकिन अब बाहर हो गई है और ये झगड़ा अब थमते हुए नजर नहीं आ रहा। मालिक और कप्तान के बीच में दरार इतनी बढ़ चुकी है कि आगे इस पे आपको बड़ी अपडेट जरूर सुनने के लिए मिलेगी। हो सकता है केएल राहुल फ्रेंचाइज को छोड़ दें, हो सकता है कि जो टीम के मालिक हैं वो उन्हें मनाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ उठापटक जरूर देखी जाएगी। फिलहाल इस लड़ाई का असर आपको खेल पर दिख गया, लखनऊ की टीम पर दिख गया, और लखनऊ के फैंस को बहुत निराशा हुई होगी इस बात से कि ठीक है आप मालिक हो या कुछ भी होता है तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो, करना जायज है, आप डिसअपॉइंट होते हो, आप एक फैंस की तरह हो, आप क्रिकेट को प्यार करते हो, आपको नहीं अच्छा लगता कि आपकी टीम इतनी बुरी तरह हार जाए, लेकिन बंद कमरे में भी ये चीजें हो सकती हैं। मीडिया के सामने, लोगों के सामने, क्राउड को ये चीजें दिखाना, ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि देखो सबकी एक पर्सनल लाइफ है। अब केएल राहुल के साथ ये चीजें हुई हैं तो उनके पर्सनल जो लोग आसपास के लोग हैं, उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स, वो भी उनसे फोन करके पूछते होंगे भाई क्या हो गया, क्या बोला उन्होंने, ऐसे कैसे बोल दिया, ये सभी के साथ होता है। तो इसीलिए लड़ाई अब शांत होते हुए नहीं दिख रही, और आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में इस लड़ाई का अंजाम। बाकी आप वीडियो देखिए, विजुअल्स देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो आपको बना के डालेंगे कि आईपीएल की टीम से जो टीम मालिक होते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं उनके पैसा कमाने के, और किस तरीके से अब आगे जो भी अपडेट आती है संजीव गोयनका और केएल राहुल के झगड़े पर, वो हम आपको पूरी अपडेट देंगे अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टॉक क्रिकेट। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और पूरे व्लॉग वीडियो आपको क्रिकेट से जुड़ी हुई मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वीडियो सभी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।